वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला मैं आप सबकी उत्तराखंडी चेली प्रियंका बिष्ट और आप लोग देख रहे हैं मेरा व्लॉग। तो वेलकम है आप सभी का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, बहुत डुंगरी मंदिर जो कि नेपाल में है और बहुत साल बाद जाती हूँ मैं भी और इनसे मिलिए। ये है मेरी करने के बाद फर्स्ट टाइम और ये है मेरी फ्रेंड सबसे पहले और दूसरा ये मेरी चाची लगती सेकेंड नंबर की प्लस फर्स्ट फ्रेंड है फिर उसके बाद चाची बनी ये कहना चाह रही हूँ मैं। तो और साथ ही बहुत ही अच्छी डांसर हमारी ग्रुप मिलाऊंगी कभी मौका मिलेगा तो। और डांस वगैरह आप लोग आज देखोगे, हम लोग रील बनाने वाले हैं। कब से सोच रहे थे पर हमारा टाइम नहीं हो पा रहा था, खास करके इसका क्योंकि ये बिजी रहती है, जॉब करती है तो इसीलिए। और मैं तो फ्री है भी वेल्ला बोलते हैं वेल्ला फ्री व्लॉग वेल्ली और हमारे गैंग के आधे लोग आगे हैं। हाँ आगे से चल रहे इसी कारणवश हम पीछे रह गए थे। हाँ और मंदिर जाने के प्लान में हम बहुत पहले से थे। जो प्लान बना रही थी उसको मैं अभी दिखाऊंगी। वो चाह रही थी कि हम लोग जाए पर उसके साथ कोई मिलना नहीं था, हम लोग इधर उधर ही थे, मतलब मैं गांव थी, निशु बिजी थी। फिर आज संडे है तो आज मौका भी मिल गया हमें, छुट्टी भी है। हाँ तो फिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और अभी हम लोग नेपाल बार आ चुके हैं तो अभी चलते हैं आगे थोड़ा बहुत सामान बनाते हुए। सामान तो बना ही लिया है वैसे काफ़ी। सो ये है हाय अमन। तो ये है अमन मेरे पुनकी का भाई और ये है पुनकी। हाय। तो इसका प्लान था कब से कि मंदिर जाए, ये पाऊ नहीं दे रही है। हाय मैं तो अरे है बिमला जी। हाय बिमला। हेलो तो हम लोग जा रहे हैं छः, वेदू को लगा के छः लोग, साढ़े पाँच हाँ मंदिर। तो मिलते हैं आधे रास्ते में, अभी थोड़ा बहुत सामान बनाते हैं आगे से फिर दिखाती हूँ आज मैं आप लोगों को। मैं भी देखूँगी, मतलब पहले देखा है, बहुत बार गई हूँ स्कूल के टाइम पे, स्कूल के बाद भी गई हूँ, लॉकडाउन के टाइम पे गई नहीं गई पता नहीं, मुझे याद नहीं है पर बहुत साल हो गए। तो फिर वहाँ बादल वगैरह भी फट रखा था तो थोड़ा लोकेशन चेंज बहुत हो रखा है। तो जैसा भी है मैं भी पहली बार देखूँगी और आप भी। तो चलिए पहुँचने ही वाले हैं जो ये धार है उसके बाद मंदिर ही है। नेपाल के मार्केट से लेके जहाँ हम मंदिर जा रहे हैं डुंगरी मंदिर, वहाँ हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। आते टाइम भी हम पैदल ही आएंगे क्योंकि यहाँ हमें पैदल ट्रैकिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है और हमेशा हम पैदल ही जाते हैं, बाकी यहाँ गाड़ी वगैरह भी चलती है। अमन जैकेट गिराते हुए बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि धूप है, फिर ऊपर से हम लोग पैदल चल रहे थे तो अभी पसीना पसीना हो गया बहुत ही ज़्यादा। तो मिलते हैं हम लोग। तो यहाँ का पूरा वातावरण ही चेंज हो गया यार। यहाँ पे पुल था, ऐसे करके पुल था और यहाँ से नीचे को सीढ़ी था पर वो सब आपदा ने तहस नहस कर दिया। तो ये है डुंगरी मंदिर का गेट और ये है मंदिर। जय हो भगवान। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में। सो
सब थक चुके हैं। देखिए पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर डैम वगैरह है, तो फिर मिलते हैं हम लोग पूजा करने के बाद। बाय बाय इस्माइल, इस्माइल नीबल सो गाइस पूजा हो गई है हमारी पूजा, अब फोटो वोटो खींचते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग ऊपर की ओर डैम की ओर, वहाँ का क्या सीन है देखते हैं। वहाँ का व्यू भी अच्छा ही था, यहाँ भी बहुत प्यारा था, पर क्या ही कर सकते हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ये सब, तो उसको रोक नहीं सकते हम लोग। ऊपर ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे, जहाँ डैम था वहाँ पानी नहीं है बोला जब से आपका आया। देखिए गाइस ये हमारी पहाड़ी मेहंदी किस किस ने देखी है हमें जल्दी बताना। इसे मेहंदी लगती है? अरे ऐसे करके छाप छाप के आते हैं पीछे। अच्छा मेहंदी जो होते हैं उसका दांत दर्द हो रहा है। अब इसकी अंतर आत्मा जाग गई, मेरी मम्मी मेरे को कब तक भूखेगी, अब उसको चलना है। चलोगे? आगे आगे चलो, मम्मा का सूट छोड़ो। हाँ मम्मा, हाँ वेदू भी गाँव में जाएगी। सो गाइस अब हम खाएंगे घोलमोल, चाओ 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 के हैं नेपाल में इंडिया वाले भी जितना लेते हैं नेपाल से, एक बट बैन हो गया है, अब इंडिया लेना सिर्फ नेपाल में खा सकते हैं ये। क्यों क्या बैन हो गया? अरे ये है माल्टा, माल्टा का सीजन आ गया ना। चाओ चाओ, इसमें हम क्या बना रहे हैं? स्नैक्स वगैरह कॉकटेल बना रहे, कॉकटेल बट जो आप लोग समझ रहे हो वाला कॉकटेल है। कॉफी ये वो है मंदीप का काट के पानी ब्लेड है मेरे लिए। हाँ तभी तो बोलते एक बढ़िया सी जगह खाओ वाली काट काट रहे हैं ना यहाँ। बनाई ये लाओ, एक पन्नी खा ली करो बड़ी वाली। ये मम्मा और क्या खाया हो? रुको देखो आप अंदर से बनाई थी या बाहर से? अंदर से, बाहर से नहीं। हम तो खाएंगे खाएंगे। यहाँ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये कुला लगा रखा है हमने। आप ही उसी जगह ये मना। हे गाइस तो हम चल रहे हैं अब घर की ओर। हमने निशु और मैंने अभी एक रील बनाया पहाड़ी में, ऑफ कोर्स पहाड़ी हैं तो फैन भी हम पहाड़ी हैं ऐसा भी नहीं है। नेपाली सॉन्ग के भी हम बहुत ज़्यादा फैन हैं, हिंदी भी अच्छा ही लगता है पर हम बनाते नहीं हैं, पर अधिकतर हम नेपाली और पहाड़ी में बनाते, सबसे ज़्यादा पहाड़ी फिर नेपाली। तो नेपाली में अभी कभी बनाएंगे, थोड़ा आजकल छुट्टी है निशु का भी तो टाइम हमें मिल जाएगा, और दीपावली तक, दीपावली के एक दिन पहले या दो दिन पहले मैं गांव जाने वाली हूँ, उसके बाद सीधा अल्मोड़ा चले जाऊँगी, तो एक दो दिन शायद हम लोग बनाए साथ में वीडियो। तो मैं निशु का डांस दिखाऊँगी, ऑफकोर्स यार डांसर है हमारी दोस्त, हमारी फ्रेंड, हमारे मतलब ग्रुप, मतलब बहुत बड़ी ग्रुप थी। मैं सबको दिखा नहीं सकती क्योंकि सब अलग अलग है, सब अलग अलग स्कूल टाइम के होते हैं ना। अच्छा होते हैं ये है, यहाँ से ऊपर जॉइंट
रहा है वहाँ से सामान नीचे को आता है, नीचे से भी ऊपर जाता होगा ना, या ऊपर से सिर्फ नीचे आता होगा? नीचे से ऊपर आता है बहन, यहाँ से राशन बेचते हैं ऊपर, ऊपर से कुछ सब्जी वब्जी बेचते होंगे फिर गाँव वाले, मतलब जो बिके हैं बेचते होंगे हाँ। सो ये है बाजार नेपाल का, यहाँ के कपड़े, यहाँ के बच्चे, सो गाइस हम लोग रूम पे पहुंच गए हैं और काफ़ी थक गए हैं क्योंकि चलना था धूप थी, फिर ऊपर, फिर घर भी आना था रूम पे, सब पैदल पैदल, मतलब हम लोग सुबह से 11 बजे से चलने में हैं, अभी 5 कुछ हो रहे हैं, टाइम कुछ हो रहा है, हम पहुंचे 5 या 4:45 बजे के टाइम पे यहाँ रूम पे, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।